सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने ये देखा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आप क्या करना चाहते हैं उनका एडिशन, तो आप क्या लगाते हैं, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें आप रिजल्टेंट निकालते हैं। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डन, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जैसे एडिशन के लॉज हैं, शायद सब्ट्रैक्शन के भी लॉज होंगे, तो दो लॉज और आएंगे फिर फॉर्मूला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए वही लॉज यूज़ करेंगे, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, जो आपने एडिशन के किए थे, कोई नई चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो आपको ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और एंगल बिटवीन देम थीटा इनके बीच में गिवन है। आपको क्या करना है, मान लो एडिशन करना है। तो अगर आपको इसकी एडिशन करनी होती तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बोलता कि इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो और ये क्या बना लें, इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा टन। पर मुझे यहाँ पर नहीं निकालना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को हम एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, मुझे गिवन यही है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम थीटा। मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैं काम करता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो मैंने अपने क्वेश्चन को, सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया, एडिशन। तो दो वेक्टर्स को ऐड करना है। आप ये मत बोलो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, आप बोलो दो वेक्टर को ऐड करना है। मैंने पूछा कौन कौन से दो वेक्टर, आपने कहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नहीं माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमें क्या गिवन है इसमें, बी वेक्टर। पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया नेगेटिव वेक्टर का। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि अगर आपको बी वेक्टर गिवन है और मैं इसका एक उल्टा वेक्टर ड्रॉ कर दूं, नेगेटिव माइनस बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो अगर आपको बी वेक्टर गिवन है और आप माइनस बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, उसके डायरेक्शन उल्टा कर दें। तो आप अगर इन दो वेक्टर को ऐड कर दें, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए आप पैरेललोग्राम कहां ड्रॉ करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे। ऐड कैसे होंगे, जब आप ये और ये ऐड करेंगे, और दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये आर वेक्टर क्या देगा आपको, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस, और यही मुझे निकालना है। तो पॉइंट क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम कुछ नहीं करने वाले, कोई रूल नहीं सीखने वाले, हम ये करने वाले हैं कि अगर मुझे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है और मुझे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर निकालना है, मुझे ओरिजिनली बी वेक्टर गिवन है, मैं इसका उल्टा माइनस बी वेक्टर यहां प्लॉट कर लूंगा। तो अब मेरे पास क्या मिला, अब मेरे पास है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अगर मैं कहूं मुझे इन्हें ऐड करना है, तो मेरे पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर अगर मुझे इन्हें ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या देगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर देगा। कोई डाउट इसमें, तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर देगा। तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया। तो कैसे करते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बोलो क्या लिखें, इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या होगी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड क्या होगा बी की माइनस बी, बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। तो बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ किस किस को ऐड करना है, इसको और इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इन टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वो वेक्टर जिनको ऐड कर रहे हैं। अब हम किन्हें ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको, हमें इनके बीच में एंगल तो गिवन नहीं, हमें तो एंगल किसका गिवन है, ए और बी का, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एंगल थीटा गिवन है, तो ऑटोमेटिकली एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हम किन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। तो अपने को एंगल थीटा नहीं लेना, अगर हमने थीटा ले लिया फिर तो गेम, फिर तो एडिशन ऑफ वेक्टर ही हो गया फिर तो, यानी कि इसको इसको ऐड कर रहे हैं। हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एंगल लेना है, तो थीटा ये 180 है, तो 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, क्वाड्रेंट्स किए थे, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है और 180 का 180 रहेगा, तो क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा। नहीं तो सिंपल याद कर लो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट का, जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो जब सब्ट्रैक्शन आएगा आप ये ना सोचेंगे भी डायग्राम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे डायग्राम डायग्राम, हम सिंपल क्या करेंगे रिजल्टेंट का स्ट्रेट वे फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो एडिशन में प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सब्ट्रैक्शन में माइनस टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो ए वैक्टर बी वैक्टर गिवन है और एंगल बिटवीन दैम इज वॉट थीटा। इस बार मुझे ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर ही निकालना, मुझे बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बी वैक्टर प्लस माइनस ए वैक्टर। अब मेरे को ए वैक्टर गिवन है पर मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस ए की। एक काम करते हैं, ए वैक्टर गिवन है माइनस ए के लिए एग्जैक्टली इसका उल्टा वैक्टर खींच दो। तो ये क्या हो गया बी वैक्टर, ये क्या हो गया माइनस ए वैक्टर। तो अब मैं किसे किसे ऐड करूं, बी वेक्टर को और माइनस ए वेक्टर को, और पैरेललोग्राम किसका ड्रॉ करूं, इन दोनों का। तो इन दोनों का पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ये बना इसका डायगोनल, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया। अब अगर मैं पूछूं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए, नहीं ए का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ए ही रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इन टू, किन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इन दोनों को। मुझे एंगल ये गिवन था, ये एंगल क्या होगा गेन 180 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा भी क्या बताया, माइनस कॉस थीटा आंसर। अच्छी बात यह है कि अगर आपको ए वैक्टर बी वैक्टर गिवन है, आपसे अगर ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर पूछा जाए या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पूछा जाए, मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिमेंस सेम। तो फर्क कहाँ है, डायरेक्शन, क्योंकि जब आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाला था तो आपका रिजल्टेंट यहाँ आया था, जब आपने बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाला तो आपका डायरेक्शन यहाँ जा रहा है। हम डायरेक्शन की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, पूछते भी नहीं है डायरेक्शन पेपर में, कोई टेंशन नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब मैं स्ट्रेट वे फॉर्मूला रिजल्टेंट का लगाऊंगा कल को, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये फॉर्मूला, आपको समझ में आना चाहिए आर कहां से आया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हालांकि इसमें से कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा कि प्रूफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपने कैसे किया, नहीं आएगा। हाँ, आपको आपकी विजुअलाइजेशन सही होनी चाहिए कि मैं कैसे सोच रहा हूं। जैसे किसी ने कहा मुझे माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, लेकिन मुझे गिवन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल थीटा, तो मुझे रिक्वायर्ड है माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो माइनस ए वेक्टर कैसे आएगा, ए वेक्टर का उल्टा माइनस ए, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर माइनस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम यहां बनेगा, तो ये रिजल्टेंट बन गया माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसमें आंसर सेम आएगा। मेरे हिसाब से ये करने की मेरे को जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेरे को ये क्वेश्चन आया माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो मेरे को एक ईजी तरीका पता था, माइनस पूरे का पूरा ही कॉमन निकाल दो, तो क्या बना, माइनस ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, पूरा का पूरा कॉमन निकाल दिया, तो ये टर्म आ गई। अब इसमें मैंने आपको एडिशन सिखा रखा है, एडिशन के अंदर ये वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बन गया रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, तो ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है इसके अगर ऑपोजिट कर दें तो नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो क्लियर है यहां तक? तो मैंने एक लाइन में डायरेक्शन निकाल दी। अब मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज होता नहीं, नेगेटिव लगने से मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होता, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, डायरेक्शन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर था ना, तो नेगेटिव वेक्टर इसका ऑपोजिट होगा। हाँ बिल्कुल, देखो पैरेललोग्राम में इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन का ही खेल है। रिजल्टेंट में तो फॉर्मूले दो चलते हैं, या तो माइनस टू ए बी कॉस थीटा या प्लस टू ए बी कॉस थीटा, खेल ही सारा डायरेक्शन का है कि डायरेक्शन कहाँ जाएगी।
जिसमें हम इस टॉपिक में डिस्कशन डायरेक्शन की कर नहीं रहे। हाँ कर रहे हैं तो डायग्राम से कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्शन ये नहीं बता रहा एंगल निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन वैसे ही बता रहा हूँ, देखा ये रिजल्टेंट यहाँ है, देखो ये रिजल्टेंट यहाँ है, तो आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ कि डायरेक्शन में चेंज है इसमें, ठीक।